नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज की इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं तुलसी। ब्रह्मकुमारी संस्था के संस्थापक सदस्यों व आदि रत्नों में से एक तथा ब्रह्मकुमारी संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी पूरन शांता जी, जिन्हें ईशु दादी के नाम से जाना जाता था, जो अब हम सभी से विदाई लेते हुए परमात्मा की गोद में समा गई। दादी जी 93 साल की थी और अस्वस्थ होने के कारण पिछले 20 दिनों से अहमदाबाद के स्टर्लिन हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। 6 मई 2021 को रात्रि 8:05 पर उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को 7 मई प्रातः 2 बजे संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन लाया गया और कोविड काल के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आमथला स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार कर उन्हें स्थूल रूप से विदाई दी गई। इसी के साथ देश विदेश में सभी जगह लोगों ने अपने अपने स्थानों पर विशेष योगाभ्यास के जरिए सर्वस्नेही ईशु दादी जी को भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ओम शांति, ओम शांति। आप भी ये सब रोज रोज अपनी तपस्या करना और बहुत अच्छा है, बाबा की मदद मिलती रहेगी, हम भी साथ में हैं। ब्रह्मा बाबा के अंग संग रही यज्ञ के कारोबार को सुचारू रूप से चलाने वाली दादी पूर्ण शांता जी का जीवन हमेशा ही ईश्वरीय संदेश के रूप में लोगों के लिए प्रेरणादायी रहा। 1 मई 1928 को हैदराबाद सिंध में जन्मी दादी ईशु 7 वर्ष की उम्र में ही अपने माता पिता के साथ संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के संपर्क में आई और तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संस्थापक सदस्यों में से एक दादी ईशु हमेशा से ही एकांत प्रिय थी। उनके बोल में कभी कटुता नहीं दिखाई दी। विराजयोग ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत गुप्त रूप से किया करती थी। आज्ञाकारिता और ईमानदारी का गुण उनके अंदर कूट कूट कर भरा था, इसलिए बाबा ने उन्हें परमात्मा शिव के महावाक्यों को भी लिखने और फिर उन्हें पठनीय योग्य बनाकर लोगों तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी थी। कोरोना प्रोटोकॉल के कारण संस्थान के कुछ वरिष्ठ भाई बहनों के सामने वे पंच तत्व में विलीन हो गई। संस्थान के कार्यकारी सचिव बी के मृत्युंजय, शांतिवन प्रबंधक बी के भोपाल, मेडिकल प्रभाग के सचिव बी के बनारसी, राजयोगिनी बी के उषा, बी के सविता समेत कई लोगों ने उन्हें पुष्प अर्पित कर अंतिम विदाई दी। बाबा की जो मुरली चलती थी इतनी फास्ट चलती थी, फिर मैं उसका नोट्स लिखती थी, फिर मामा कहती थी कि जो सुनना है वो आकर के यहाँ सुनाओ, फिर मैं सुनाती थी कि आज बाबा ने ये बातें सुनाई। दादी पूरन शांता जी का जैसा नाम था वैसी वे शांति और गंभीरता की मूर्त थी। उनके नैनों से और उनके चेहरे द्वारा हमेशा ही परमात्मा शिव का संदेश मिलता रहा। प्रारंभ काल से ही संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने उनकी इकोनॉमी की विशेषताओं को देखते हुए वित्तीय जिम्मेदारी का प्रभार सौंपा था। राजयोगिनी दादी ईशु इकोनॉमी और इकोनॉमी, न्यारी और अंतर्मुखी, सर्व गुणों की मूर्त थी। इस ईश्वरीय परिवार का अनमोल हीरा थी। ब्रह्मा बाबा की विश्वसनीय होने के कारण बाबा ने उन्हें वित्तीय कारोबार की जिम्मेदारी दी थी। वे धन के कारोबार में होते हुए भी किसी प्रकार के अवगुण उन्हें छू तक नहीं पाए, अर्थात हमेशा उपराम रही। वे उमंग उत्साह से हमेशा लबरेज रही। दादी पूर्ण शांता का संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ गहरा संबंध था। वे हमेशा बाबा के अंग संग रही। वे अक्सर कहा करती थी कि बाबा हमेशा हम लोगों को हर चीज सिखाता था। कई बार तो माउंट आबू से आबू रोड तक पैदल ही चले आते थे, परंतु कभी थकान तक नहीं लगती थी। क्योंकि हम जब अबू में आए तो अबू में एक भी गाड़ी नहीं थी और अबू तो जंगल था, इतने मकान इतने दुकान वगैरह को थोड़ी थे। फिर हम कहते थे ये कैसे होगा, तो हम पैदल उतरते थे
और फिर रात्रि को आकर के एक स्कूल का हाल लिया था, वहाँ सो जाते थे। फिर सुबह को उठ के और फिर चलते थे, चलो अभी ऊपर चलना है। तो उन दिनों में अबू में कोई गाड़ी तो थी नहीं, तो पेठा वगैरह बराबर होता था ना, हम माथे पर रख करके चढ़ते थे, पर तो खुशी में नाचते रहते थे। कभी ये नहीं हुआ, ये तो मजदूरों का काम है, हम कैसे करेंगे, हमको बहुत बहुत। फिर हम पैदल ही चढ़ते थे ऊपर माउंट अबू रोड से, अबू पांडवन पैदल ही चढ़ते थे खुशी में। बाबा कहता था जो गिरेगा वो फेर लूंगा। हम सभी की प्रिय राजयोगिनी दादी पूरन शांता यानी दादी ईशु जी अपनी त्याग और तपस्या से संपूर्णता को प्राप्त करते हुए इस भौतिक दुनिया से प्रस्थान कर गई। आज भले ही वे भौतिक रूप से हमारे बीच से ओझल हो गई हो, लेकिन वे त्याग और तपस्या की मिसाल के रूप में हमेशा याद की जाएंगी। वे सदा बाप दादा और हम सभी ब्रह्मावत्सों के दिलों में जीवित रहेंगी। उनकी प्रेरणादायी शिक्षाएं सदा हमें तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। उनके देहावसान पर हम सभी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार, ओम शांति।